एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करता है, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक बना चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 17 में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स बाय ई टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर हम लोग टी पुट करते हैं। ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, टू एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, डी एक्स की साइड मल्टीप्लाई टू की साइड लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते क्वेश्चन, तो देखिए एक्स डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी बाई टू लिख सकते। ठीक है, वन बाय इट दो बार एक्स को हम टी पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी बाई टू। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इट बाई टू का इंडिकेशन पता है, लेकिन वन बाई इट टू का इंडिकेशन नहीं पता, तो उसको सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, वन बाई टू कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, इधर पर टी ऊपर तक तो माइनस टी हो जाएगा इंटू डी टी। ठीक है, और इधर टी का इंडिकेशन इधर पर टी होता है। ठीक है, बट यहाँ पर माइनस टी का कोफिशिएंट है, इसलिए बाद में माइनस वन आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो माइनस वन बाई टू इधर पर माइनस टी माइनस इधर पर माइनस टी होता है माइनस टी की जब किया एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इसका हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू इट दो एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है इट दो टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को हम लोग टी पुट करते हैं। ठीक है, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएट बहुत सारे एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की साइड लिया था डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी के बराबर था। ठीक है, डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, इट दो टी हो जाएगा वो। ठीक है, डी एक्स बाई वन प्लस एक्स को हमने डी टी लिखी और ई के पावर टेन एक्स टी लिखा। ठीक है, और ई के पावर टी का इंडिकेशन होता है ई के पावर टी प्लस सी। ई के पावर टी क्या, टी क्या बना था टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 समझते। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर किसको टूट, अगर हम इसको टूट टूट कर दें तो ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि प्लस वन का जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कुछ अलग तरीके, इसको हम कॉमन ले सकते हैं इट दबर टू एक्स को इट दबर एक्स इंटू इट दबर एक्स लिख सकते हैं माइनस वन, इसको इट दबर एक्स इंटू इट दबर एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर यहाँ पर इट दबर एक्स कॉमन ले लेते हैं, इट दबर एक्स बच जाएगा बाय वन प्लस इट दबर एक्स हो जाएगा। सेम के सीजन यहाँ पर वीडियो को मिल जाता है, तो इट एक्स होगा बाई वन प्लस इट बाई एक्स। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो को अंदर मल्टीप्लाई करता तो सेम यही आएगा, इट एक्स अंदर गया तो इट बाई टू एक्स आएगा बाई, यहाँ पर जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो वन बचेगा सेम केस। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसे इट बाई एक्स माइनस इट दो माइनस एक्स बाई इट दो एक्स प्लस इट दबर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इट दबर एक्स कॉमन ले लिए, उसके बाद ये बचा के अभी हम इसको टी पुट करते हैं। लेट इट दबर एक्स प्लस इट दबर माइनस एक्स इजिकल टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इट दबर एक्स
इसका वेट इसका सर बट माइनस वन का माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन, तो एक ही बार में ले लेते हैं माइनस एक्स, ठीक है। इट इज एक्स का इंटीग्रेशन इट इज बाई एक्स डिफरेंशिएट, इट इज एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इट इज बाई माइनस एक्स की इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इट इज बाई एक्स माइनस इट इज बाई माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो देखिए ये जो है सेम इसके जैसे आ गया, इट इज बाई एक्स माइनस इट इज माइनस एक्स इंटू डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं डी टी बाई डी, ठीक है। तो वन बाई टी के इंटीग्रेशन होता है लॉग टी लॉग प्लस टी, ठीक। लॉग टी किसको माना थे, इट इज बाई एक्स प्लस इट इज बार माइनस एक्स, इट इज बाई एक्स प्लस इट इज बार माइनस एक्स प्लस टी। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कैसे को समझते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज बाई एक्स माइनस वन इट इज बाई टू एक्स माइनस वन बाई इट इज बाई टू एक्स प्लस वन, तो अगर हम बाय में जो है इट इज बाई टू एक्स प्लस वन को टिप करते हैं तो बराबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इट इज बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ये बचता है और इसको हम टिप करते हैं और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता। तो ये इट इज बाई एक्स माइनस इट इज बाई एक्स इंटू डी एक्स ये डी टी की इक्वल आता है, तो इसके जगह पर हम डी टी पुट कर लिया बाय इसको टी माना थे टी लिख लिया, तो डी टी बाई टी लॉग टी हो जाता है इसका इंटीग्रेशन प्लस टी, तो लॉग टी किसको माने थे इसको, तो वो पुट कर दिए इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 21 दिया हुआ है टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, ठीक है। अगर हम टेन स्क्वायर एक्स का इंडिक्शन किए तो इसका हमको फॉर्मूला नहीं पता है, ओनली फॉर टेन एक्स का पता है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स दिया इसलिए हम उसको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन माइनस वन, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लीजिए, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लीजिए, ठीक। तो चलिए उससे इंटीग्रेशन करते, ठीक है। तो सबसे हम अलग कर दे सेक स्क्वायर टू एक्स थ्री था सॉरी थ्री था, ठीक है। टू एक्स माइनस थ्री इसका अलग इंटीग्रेशन होगा माइनस वन इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, चूंकि ये एक्स नहीं है टू एक्स माइनस थ्री है इसीलिए एक्स का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो बाय में आ जाता है, ठीक है। फिर से समझते हैं टेन स्क्वायर एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला ब्रेक किए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखिए, ठीक है। फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन किए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको टी भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, ठीक है। चूंकि ये एक्स नहीं है इसीलिए एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वाई में आ जाता है, ठीक है। और वन के इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर उसको समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम 21 के जैसे ही है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, ठीक है। टेन सेवन माइनस फोर एक्स होता है सेक्स टेन एक्स होता है, क्योंकि एक्स नहीं है इसलिए एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वाई में आ जाता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या माइनस फोर प्लस, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स को हम टी पुट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करते हैं साइन इनवर्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा उसको डी टी के बराबर लिखा, साइन इनवर्स को हम क्या क्या माने थे टी टी डी टी, ठीक है। और टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई टू
प्लस जी, इसका पावर कुछ नहीं है, ये x के पावर n के फॉर्म में है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो जाता है, इसलिए इसके पावर में ऐड हुआ बाय यूनिट सेम हुआ, ठीक है। फिर t जिसको माने थे sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं, ठीक। तो जैसे कि 24 में दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। तो जैसे कि अगर बाहर में दिखा दिए, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं 2 cos x 3 sin x बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। तो बाद में जो इसका हम टी मान लेते हैं, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट होता है माइनस sin x, तो माइनस 3 sin x और साइन क्या होता है 2 cos x, तो 2 cos x इज इक्वल टू dt by dx। तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी ये प्लस को पहले लिखते 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 x dx और dt लिख सकते हैं, ठीक है। ये बाय में जो है इसको हम dt लिख सकते हैं, डी टी वाई 2 ए 2 ए 2 को जोड़ा हम इसको टी माने थे, तो 2 टी हो जाएगा, 2 टी डी टी, डी टी तो लिख सकते, ठीक है। तो हमें 2 कौन जाएगा 1 बाई टी डी टी, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई टी क्या लॉग टी प्लस से, ठीक है। 1 बाई टू लॉग टी किसको माने थे, 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि 1 बाय cos square into y minus 10 square 10 x का होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको ये कॉस का ऊपर ले जाता, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस 10 को हम टी पुट कर लेते हैं, लेट 1 माइनस 10 एक्स इजिकल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का हो जाएगा 0, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक, इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इजल टू माइनस डी टी, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम माइनस डी टी लिख सकते हैं बाई टी, 1 माइनस टी एक्स को टी माना था उसका होल स्क्वायर, तो टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस को बन जाएगा माइनस 1 कुछ नहीं बन लो 1 10 के पावर माइनस 2 डी टी टी माइनस 1 10 के पावर माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, 10 के पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 बाई टी हो जाएगा प्लस सी, प्लस लिख लेते हैं 1 बाई टी किसको माने, तो 1 माइनस 10 एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रूट ए रूट पे छुट्टी मानता है, ठीक है। तो लेट और रूट एक्स इजिकल टू डी, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट जो 1 बाई 2 रूट एक्स इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी एक्स को उस साइड ले जाता है, डी एक्स बाई रूट एक्स इस 2 को इस साइड ले जाता है 2 डी टी, ठीक है। डी एक्स बाई रूट एक्स को 2 डी टी लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख लेते हैं, डी टी बाई सॉरी कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स को हम टी माना था
cos t, t into dx by root x form 2 dt हो, तो 2 बाहर चला गया, dt लिख लेते हैं, ठीक है, cos का इंटीग्रल होता है sin t plus t, t किसको मान रहे थे, root x plus c, तो I hope all your understanding question number 26, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 समझते हैं, ठीक, तो 1 प्लस साइन एक्स को सबसे पहले टी पुट करता है, ठीक, लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 1 के 0 हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इस साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी लिख सकते हैं, तो ऊपर में डी टी लिख लिया बाय रूट टी, ठीक, तो रूट टी ऊपर चला जाएगा यानी माइनस हाफ हो जाएगा डी टी, ठीक, टी के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाय माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो टी के पावर वन बाई टू हुआ बाय वन बाई टू, तो ये हो जाएगा टू इंटू टी के पावर वन बाई टू प्लस सी, तो वन बाई टू को हम लोग रूट टी बोलते हैं, टू रूट टी प्लस सी, तो रूट टी किसको मान रहे थे, वन प्लस साइन एक्स, टू रूट टी की जगह वन प्लस साइन एक्स प्लस सी, आई होप क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आ गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो कॉट एक्स ओवर टी माने तो लॉग हम नहीं आ सकते नॉट पॉसिबल, ठीक है, सबसे पहले लॉग ऑफ साइन एक्स को अगर हम माने तो लॉग ऑफ साइन डिवीजन वन बाई साइन हो जाए, लॉग ऑफ साइन डिवीजन वन बाई एक्स हो जाएगा, वन बाई साइन एक्स हो जाए, साइन कॉस तो कॉट आ सकता है आएगा, तो इसको हम सबसे पहले टी मान लेते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स को सबसे पहले टी मान लेते हैं, लॉग इसका हो जाएगा वन बाई साइन एक्स, फिर साइन की इंडिक्शन हो जाएगा कॉस एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स, फिर साइन एक्स का इंडिक्शन हो जाएगा कॉस एक्स, डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स को होता है कॉट एक्स, फिर डी एक्स इस साइड चला गया इजिकल टू डी टी, ठीक है, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग लॉग ऑफ साइन एक्स को हम टी माने थे टी डी टी, ठीक है, तो टी के इंडिक्शन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस डी किसको माने थे, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर बाय टू प्लस सी, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आ गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 समझते, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, सबसे पहले वन प्लस साइन एक्स को हम लोग कुछ पुट कर लेते हैं, ठीक, तो लेट वन प्लस कॉस एक्स को हम वाई पुट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो वन का जगह जीरो प्लस कॉस का होता है डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स अभी माइनस को साइड लेगा तो माइनस डी वाई आएगा, ठीक, तो साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है, तो माइनस डी वाई बाई वाई, ठीक है, जो वन प्लस कॉस एक्स हम वाई सपोर्ट किए थे, तो ये माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस सी, ठीक, तो वाई किसको माने थे, माइनस लॉग ऑफ वाई किसको माने थे, वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड, तो चलिए आज क्लास यही समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।